वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किए गए हैं। पहला जो अपडेट है वो है BBAU की तरफ से, काफ़ी इंतज़ार के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि जो कि 1 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू DSE डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी की तरफ से समर्थ पोर्टल के थ्रू प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका डेट 4/7/2024 रखा गया है। और जेनरेशन ऑफ चालान फी सबमिशन के लिए जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा समर्थ पोर्टल पे, वो 5/7/2024 तक, इसमें जिसका नाम होगा उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन 2 ही दिन टाइम दिया जाएगा, 6 तारीख तक। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी राउंड 1 का, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2-3 दिनों में ही समाप्त कर दिया जाएगा। और 7 तारीख को यहाँ पे वैकेंसी डिटेल भी रिलीज किया जाएगा फर्स्ट फेज का यहाँ पे। फिर सेकंड फेज का यहाँ पे कार्यक्रम बताया गया है कि 8 तारीख से यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड में फॉलो किया गया था उसी तरह से सेकेंड राउंड में भी फॉलो किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा 11 तारीख को। फिर 12 तारीख के समर्थ पोर्टल पर आपको दिया जाएगा चालान जमा करने के लिए फी सबमिशन। और उसके बाद लास्ट डेट फी सबमिशन कन्फर्मेशन एडमिशन का दिया जाएगा 13/7/2024 तक। फिर थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि जो है वैकेंसी डिटेल को पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे, वो 14/7/2024 को सेकंड राउंड के बाद। तो इसके बाद सीट अगर बचती है तो थर्ड राउंड भी होगा, आई थिंक सीट थर्ड राउंड में भी बची रह जाएंगी। उसके बाद भी यहाँ पे स्पेशल राउंड भी काउंसलिंग कराना पड़ सकता है क्योंकि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीटें बची थी काफ़ी सारे विषयों में। तो कुछ प्रमुख विषयों में तो सीटें भर जाती हैं लेकिन अधिकतर विषयों में सीटें नहीं भरती है। यह है BBAU का अपडेट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट जो कि है CUSB गया की तरफ से। वैकेंट सीट डिटेल रिलीज किया गया है 4th राउंड के काउंसलिंग के बाद, और आप देखेंगे काफ़ी सारी भारी मात्रा में सीटें बची रह गई है और काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट ने एडमिशन अपना कैंसिल भी कराया है। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। यहाँ पे आप पूरा अपडेट देख सकते हैं जो कि है CUSB गया की तरफ से वैकेंट सीट डिटेल। काफ़ी मात्रा में सीटें यहाँ पे बची है अलग अलग विषयों में, MA इंग्लिश में UR की 20 सीटें, और टोटल आप सीटें अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की टोटल जो सीटें हैं अलग अलग सब्जेक्ट मिला करके वो 534 बची हुई है। और अलग अलग कैटेगरी मिला के आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में सीटें यहाँ पर बची हुई है, 992 टोटल सीट यहाँ पर अभी तक बची हुई है। तो काफ़ी मात्रा में जो है सीटें बची रह गई है, और आप पूरा डिटेल वेबसाइट पर देख सकते हैं क्या कुछ रहा है डिटेल यहाँ पे। तो काफ़ी मात्रा में सीटें बची रह गई है, हो सकता है कि यहाँ पे स्पेशल राउंड का काउंसलिंग भी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया जाए। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन अपना कैंसिल भी कराते हैं, ये हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। पहले राउंड दूसरे राउंड में एडमिशन लेते हैं फिर कहीं और नाम आ जाता है फिर कैंसिल कराते हैं एडमिशन। तो हो सकता है कि इनके द्वारा फिर से एडमिशन का जो है पोर्टल एक्टिव किया जाए स्पेशल राउंड के लिए। अब जो थर्ड अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से, वहाँ पर भी सेकेंड लिस्ट पब्लिश किया जा चुका है जिसका मैंने अपडेट कल के वीडियो में भी आपको दिया था। तो अगर आपका नाम है तो आप एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद भी और 2 लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से अपडेटेड किया जाएगा वेबसाइट पे। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी का भी 3rd लिस्ट आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और UPTSC का एक अपडेट था जो कि कश्मीरी कोटा की तरफ से रिलीज किया गया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह पूरा डिटेल जो कि UPTSC की वेबसाइट पे दिया गया है कश्मीरी कोटा के रिगार्डिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मार्क्स के बारे में बताया गया है कि इतना मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है और प्रूफ ऑफ क्लेम्ड डेटा के बारे में बताया गया कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और बस यही सब बेसिक डिटेल है जो कि पहले ही वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है और बाकी स्टूडेंट भी जानते होंगे, कुछ खास अपडेट नहीं है। और वेबसाइट पर जाके आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।